क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को हम सोल्यूशन कर देंगे, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम सोल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तो यहाँ पे साथ ही साथ हम सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखिए अगर आप ये वीडियो पूरा देखेगी ताकि आपको 10 मार्क्स पाने के लिए कोई नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर में आपको 10 मार्क्स आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहे ताकि आपको समझ में जरूर आएगा। तो देखिए अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, सो एजुकेशन भी लॉकडाउन है, तो क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन जो है वो भी लॉकडाउन की तरह आएगा। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए एंड साथ ही साथ हम सॉल्यूशन भी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क ऑफ ए प्लेन कर्व वाई बराबर एफ ऑफ एक्स। तो ये 2 मार्क्स में आया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क ऑफ द कर्व, यहाँ पे जो कर्व है एस्ट्रॉइड का कर्व है, एक्स पावर 2/3 प्लस वाई पावर 2/3 बराबर ए पावर 2/3 लेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका जो सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज यूनिक। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आया था। तो इसका जो सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म पैरेललोग्राम। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना। तो 1+1 2 मार्क्स में आया था। तो इसका जो सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइक्लॉइड का एग्जांपल। सो फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द साइक्लॉइड, x इक्वल्स टू a इनटू थीटा प्लस sin थीटा, y बराबर a इनटू 1 माइनस cos थीटा व्हिच लाइज ऑन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो इसका जो सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 6 को जानेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया ऑफ द कार्डोइड, यहां पे जो कार्डोइड है r बराबर a into 1 plus cos theta। तो इसका जो सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फाइंड द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया एनक्लोस्ड बाई द कर्व, यहाँ पे जो कर्व है पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड द लाइन, यहाँ पे जो लाइन है वाई इक्वल्स टू mx। तो 5 मार्क्स में आया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया बाउंडेड बाई द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax अलोन एक्स एक्सिस एंड द लेटेस्ट रेक्टम। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल मेकिंग एन एंगल ट्वाइस अल्फा एट द सेंटर, हेंस फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क। तो 3+2=5। सो ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो इसको हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो ना फर्स्ट हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को हम सॉल्यूशन कर देंगे, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सरफेस फॉर्म बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द कार्डोइड, यहाँ पे जो इक्वेशन है कार्डोइड का इक्वेशन r बराबर a इनटू 1 प्लस cos थीटा व्हिच अबाउट क्या है, अबाउट इट्स एक्सिस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को हम सॉल्यूशन कर देंगे, ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्यूशन करने के लिए फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट पार्ट में फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल मेकिंग एन एंगल ट्वाइस अल्फा एट द सेंटर, ये हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव करेंगे। एंड सेकेंड पार्ट में हेंस फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हम फिगर ड्रॉ किया था, फिगर ड्रॉ कर लिया सर्कल का, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो देखिए लेट ए सी बी द आर्क, यहाँ पे जो ए सी है बी द आर्क
ऑफ द सर्कल मेकिंग एन एंगल ट्वाइस अल्फा। तो देखिए बहुत सिंपल तरीका से लिख दिया, अगर आप एग्जाम में इसी तरह से लिख दिया ताकि आपको कोई मार्क नहीं कटेगा। तो एंगल क्या है, ट्वाइस अल्फा एट द सेंटर जीरो सच दैट एंगल जो है ए ओ बी बराबर सी ओ बी बराबर अल्फा होती है। यानी कि फिगर में जो एंगल है ए ओ बी बराबर सी ओ बी बराबर क्या होगा, अल्फा होगा। नाउ हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए, सिंस द पोर्शन, यहाँ पे जो पोर्शन है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट का जो पोर्शन है इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, अगर सिमेट्रिकल होती है देन यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज कर रहा है कहाँ से, एक्स एक्सिस। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज कर रहा है एक्स एक्सिस में देन यहाँ पे जो वाई डैश होगा बराबर जीरो होती है। ओके नाउ हम जानते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम जानते हैं एक्स बराबर क्या जानेंगे, एक्स बराबर ए कॉस थीटा वाई बराबर ए साइन थीटा। तो नाउ हम इसको डेरिवेटिव कर देंगे, हम जानते हैं साइन कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर माइनस ए साइन थीटा एंड डी वाई अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा। नाउ हम फर्स्ट डी एस को निकालेंगे, डी एस क्या है अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट डी वाई अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो नाउ हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस ए साइन थीटा। तो इसको हम पुट कर देंगे, नाउ डी वाई अपॉन डी थीटा के जगह पर हम पुट करेंगे ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा स्क्वायर है स्क्वायर। नाउ हम इसको खोल देंगे, खोल देने के बाद ए स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे एंड इसका वैल्यू जो है वन है। नाउ ए स्क्वायर को हम बाहर में लेके आएंगे तभी आपको ए डी थीटा मिलेगा। ओके नाउ हम इसको क्या निकालेंगे, एक्स डैश को निकालेंगे, एक्स डैश बराबर यहाँ पे जो लिमिट होगा जीरो टू अल्फा होगा एक्स डी एस अपॉन जीरो टू अल्फा डी एस। नाउ हम जानेंगे एक्स का वैल्यू जानेंगे हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो एक्स का वैल्यू पुट कर दिया एंड डी एस का वैल्यू यहाँ पे ए डी थीटा यानी से हमें डी एस का वैल्यू पुट करेंगे एंड लिमिट जो होगा जीरो टू अल्फा होगा। सो नाउ देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर होगा यानी से में ए होगा, तो ए के साथ स्क्वायर कैंसिल करेंगे तभी आपको क्या बचेगा, ए बचेगा इंटीग्रेशन जीरो टू अल्फा कॉस थीटा डी थीटा यानी से में डी थीटा। नाउ हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हम जानते हैं कॉस थीटा का इंटीग्रेट क्या है साइन थीटा, तो ये साइन थीटा जीरो टू अल्फा यानी से में थीटा, लोअर लिमिट क्या है जीरो अपर लिमिट अल्फा हो गया। नाउ हम खोल देंगे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। ओके सो खोल देने के बाद आपको ये मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए आपको साइन जीरो जीरो होती है तो इसीलिए इसका एक्स डैश बराबर क्या होगा, ये साइन अल्फा अपन अल्फा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ये साइन अल्फा अपन अल्फा कोमा जीरो, क्योंकि वाई डैश हम जानेंगे जीरो। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, नाउ हम जानेंगे सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में क्या था, सेकेंड पार्ट जो है सो यहाँ पर देखिए, हेंस फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कुलर आर्क। तो सेमी सर्कुलर आर्क का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, तो हम जानते हैं सेमी सर्कुलर का डायग्राम कुछ इस तरह का से। तो यहाँ पे जो एंगल है पाई बाई टू, यहाँ पे पाई बाई टू क्योंकि एक्सिस का परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो देखिए लेट ए बी सी विद अ सेमी सर्कुलर आर्क एंड जीरो विद द सेंटर ऑफ ए बी सी। ओके यहाँ पे जो जीरो है विद द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क। नाउ सिंस ए बी सी इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंट्रल रेडियस, यहाँ पे जो सेंट्रल रेडियस है ओ बी, सेंट्रल रेडियस ओ बी, ओके ओ बी लिख दिया यहाँ पे एंड हुई स्लाइस ऑन एक्स एक्सिस, एंड यहाँ पे जो सेंट्रल रेडियस है हुई से स्लाइस कर रहे कहाँ से एक्स एक्सिस पे, देन इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑलवेज लाई कर रहे एक्स एक्सिस, देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर ऐसा होता है देन यहाँ पे जो वाई डैश होती है बराबर जीरो। नाउ हम जानते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये वैल्यू हम जानते हैं। नाउ डी एस का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है हम पहला में फाइंड कर रख दिया। नाउ यहाँ पे जो एक्स डैश होगा, यहाँ पे जो लिमिट होगा देखिए ध्यान से, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी एक्स डी एस, एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे एंड डी एस का वैल्यू पुट करेंगे। सो नाउ देखिए नेक्स्ट,
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए इंटू ए स्क्वायर में बाहर में लेके आएंगे, यानी यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा। नाउ सेम प्रोसेस में यहाँ पे हम डेरिवेटिव कर दे इंटीग्रेट कर देंगे। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? साइन थीटा, यानी इस समय डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा है। नाउ हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, यहाँ पे साइन पाई बाई टू माइनस साइन माइनस पाई बाई टू। तो इसके कर देने के बाद हम जानते हैं साइन 90 डिग्री क्या है, वन है, माइनस इंटू ब्रिकेट के अंदर माइनस वन, सो ऊपर में हो जाएगा ट्वाइस है इंटू नीचे में। यहाँ पे जब हम एलसीएम करेंगे तभी क्या होगा, ट्वाइस ट्वाइस पाई अपॉन टू। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, ट्वाइस अपॉन पाई होगा, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कुलर क्या होगा, ट्वाइस अपॉन पाई कॉमा जीरो होगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन हो गया। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो यहाँ पे साथ ही साथ हम सॉल्यूशन करेंगे। तो फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द सरफेस फॉर्म बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द कार्डोइड। यहाँ पे जो कार्डोइड है आर बराबर ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा अबाउट इट्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर को सॉल्यूशन करेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ द कार्डोइड, यहाँ पे कार्डोइड का फिगर ड्रॉ कीजिए। ए इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम डेरिवेटिव कर देंगे, सिंपली हम डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ पे देखिए, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है, जीरो है, एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन थीटा। तो डेरिवेटिव कर दिया। नाउ हम यहाँ पे डी एस जानेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। सो नाउ हम आर का वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू हम जानेंगे इक्वेशन ऑफ द कार्डोइड जो है, आर का वैल्यू ए स्क्वायर, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे डीएस का वैल्यू, डी आर अपॉन डी थीटा का वैल्यू जो है हम पुट कर दिया। नाउ यहाँ पे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला पे खोल देंगे। ए स्क्वायर यानी कि वन स्क्वायर वन मिलेगा, ट्वाइस ए बी यानी कि ट्वाइस ए क्या है, वन है, बी क्या है, कॉस थीटा, एंड बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे जो है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो नाउ हम इसको सारी टर्म का ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तभी ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं दोनों का वैल्यू क्या है, वन है, सो वन प्लस वन टू मिल जाएगा प्लस टू कॉस थीटा। नाउ हम ए टू को कॉमन निकालेंगे, अंदर में बसेगा वन प्लस कॉस थीटा। तो वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हम जानेंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। नाउ इसको हम जब बाहर में लेके आएंगे, यहाँ पे देखिए टू का स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हर एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई टू टी थीटा बसेगा। नाउ यहाँ पे हमको कंसिडर करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे लेट एक्स डैश वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार्डोइड। हम मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट कार्डोइड का, सिंस द कार्डोइड इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस होती है देन इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइक कर रहा है दिस एक्सिस पे, हेंस क्या होगा, वाई डैश बराबर जीरो होती है। नाउ हम जानेंगे एक्स डैश क्या है, एक्स डैश बराबर जीरो टू पाई एक्स वाई डी एस एंड जीरो टू पाई वाई डी एस। नाउ हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए एक्स का वैल्यू है, हम जानते हैं पोलर इक्वेशन ऑफ द कार्डोइड क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है आर कॉस थीटा एंड वाई का वैल्यू आर साइन थीटा, यानी यहाँ पे डी एस का वैल्यू जो है हम फाइंड कर रख दिया, ट्वाइस ए कॉस थीटा बाई टू डी थीटा। एंड नीचे में हम वाई का वैल्यू पुट करेंगे एंड डी एस का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे आर इंटू आर आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई टू डी थीटा। यहाँ पे जो ट्वाइस है हम बाहर में लेके आएंगे, तो इसको ट्वाइस से बाहर में लेके आएंगे, आर साइन थीटा कॉस थीटा बाई टू डी थीटा। नाउ हम कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे। तो आर हम आर स्क्वायर क्या है, वैल्यू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बाई टू डी थीटा। नाउ हम आर का वैल्यू पुट कर देंगे एंड सारी टर्म सेम रहेंगे। नाउ यहाँ पे देखिए वन प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, इसका ऊपर में क्या है स्क्वायर है, एंड कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए हम सिंपलीफाई करके रख दिया, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, यानी यहाँ पे जो साइन थीटा का वैल्यू है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो हर एक वैल्यू हम पुट कर दिया यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे देखिए नाउ हम इसको सिंपलीफाई कर दिया,
सिंपलीफाई करने के बाद आपको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको क्या होगा, फाइनल लाइन आपको मिलेगा 2i से 0 टू पाई 2 cos पावर 8 थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 माइनस cos पावर 6 थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 into d थीटा। नाउ नीचे में क्या होगा, 0 टू पाई cos पावर 4 थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 d थीटा। नाउ हम इसको पुट करना पड़ेगा, हम पुट करेंगे, लेट अस पुट cos थीटा बाय 2 बराबर मान लेते हैं z मान लेते हैं। नाउ हम इसको डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो इसको यहां पे थीटा रहेगी, विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, हम जानते हैं cos थीटा का डेरिवेटिव क्या है, माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा तो थीटा नहीं है, पाई बाय 2 है, थीटा बाय 2 है, तो इसको हम एक बार डेरिवेटिव, फिर से एक बार डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देन क्या मिलेगा, 1 / 2 मिलेगा into dz, तो यहां पे देखिए d थीटा होगा, तो यहां पे देखिए फाइनली sin थीटा बाय 2 d थीटा बराबर माइनस ट्वाइस dz। तो नाउ हम इसको लिमिट को सेंस करेंगे, जब थीटा के जगह पर हम जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे cos जीरो क्या होगा, देन z 1 होगा, हम जानते हैं cos जीरो का वैल्यू क्या है, 1 है। नाउ थीटा के जगह पर पाई पुट करेंगे, हम जानते हैं cos 180 डिग्री क्या है, जीरो होती है, देन z बराबर जीरो होती है। नाउ हम लिमिट को सेंस करने के बाद यहाँ पे देखिए x डैश होगा, यहाँ पे जब हम जीरो पुट करेंगे तभी 1 होगा, जब हम पाई पुट करेंगे तभी जीरो होगा, तो यहाँ पर देखिए 2 cos थीटा बाय 2 के जगह पर हम z पुट करेंगे, क्योंकि हमें लेट किया था, यानी कि 2 z पावर 8, यहाँ पे जो है sin थीटा बाय 2 d थीटा माइनस 2 dz, यानी यहाँ पे cos पावर 6 यानी कि z पावर 6 माइनस 2 dz, नीचे में z पावर 4 माइनस 2 dz। तो यहाँ पर देखिए हम जब हम सिंपलीफाई करेंगे तभी आपको क्या होगा, 8 है इंटीग्रेशन 1 टू 0 z पावर 8 dz, तभी आपको ये लाइन मिलेगा। नाउ हम इसको डेरिवेटिव कर देंगे, तो डेरिवेटिव करने के बाद आपको 4 है 1 अपॉन 9 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 7 होगा, या नीचे में 1 अपॉन 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम करेंगे, 7 इंटू 9 63 होगा, यानी यहाँ पे 4 के साथ 4 के साथ 7 मल्टीप्लाई एंड 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई, यानी कि 28 माइनस 1 18 अपॉन 63 अपॉन क्या है 1 अपॉन 5, तो ऊपर में 10 नीचे में 63 अपॉन 1 अपॉन 5। तो यहाँ पर देखिए फाइनली आपको ये इंटू 5 इंटू 10 इंटू 5 यानी कि 15 है अपॉन 63, तो देयर फॉर द सेंटर रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 15 है अपॉन 63.0। तो ये आपको सॉल्यूशन हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए एंड चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको ये चैनल पे इसी टाइप की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।